लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। यह अनिवार्यता है, वरना हर किसी का मन कुंठित रहता है कि मैं उसके लिए योग्य था, मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा मामा पिता दादा दादी नाना नानी कोई वहां थे नहीं। ये मनस्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए, मैं बाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं, परिवारवादी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में मैं आपका साथ चाहता हूं। ये संवैधानिक जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लाल किले के प्राचीर से कही गई बात की ताकत में मानता हूं, और इसलिए मैं आज आपका अवसर चाहता हूं। हमने देखा पिछले दिनों खेलों में, ऐसा तो नहीं है कि देश के पास पहले प्रतिभाएं नहीं रही होंगी, ऐसा तो नहीं है कि खेलकूद की दुनिया में हिंदुस्तान के नौजवान हमारे बेटे बेटियां कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिलेक्शन भाई भतीजेवाद की चैनल से गुजरते थे और उसके कारण वो खेल के मैदान तक, उस देश तक तो पहुंच जाते थे। जीत हार से उन्हें लेना देना नहीं था, लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी आई, योग्यता के आधार पर खिलाड़ियों का चयन होने लगा, पूर्व पारदर्शिता से खेल के मैदान में सामर्थ्य का सम्मान होने लगा, आज देखिए दुनिया में खेल के मैदान में भारत का तिरंगा फहरता है, भारत का राष्ट्रगान गाया जाता है, गर्व होता है और परिवारवाद से मुक्ति होती है, भाई भतीजावाद से मुक्ति होती है, तो ये नतीजे आते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये ठीक है चुनौतियां बहुत है, अगर इस देश के सामने करोड़ों संकट है तो करोड़ों समाधान भी है, और मेरा 130 करोड़ देशवासियों पर भरोसा है। 130 करोड़ देशवासी निर्धारित लक्ष्य के साथ, संकल्प के प्रति समर्पण के साथ, जब 130 करोड़ देशवासी एक कदम आगे रखते हैं ना, तो हिंदुस्तान 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। इस सामर्थ्य को लेकर के हमने आगे बढ़ना है। इस अमृत काल में, जब ये अमृत काल की पहली बेला है, पहली प्रभात है, हमें आने वाले 25 साल को एक पल भी भूलना नहीं है। एक एक दिन, समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीना, और तभी आजादी के दीवानों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी 75 साल तक देश को यहां तक पहुंचाने में जिन जिन लोगों ने योगदान किया उनका पुण्य स्मरण हमें काम आएगा। मैं देशवासियों से आग्रह करते हुए, नई संभावनाओं को संजोते हुए, नए संकल्पों को पार करते हुए, आगे बढ़ने का विश्वास लेकर के आज अमृत काल का आरंभ करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव अब अमृत काल की दिशा में पलट चुका है, आगे बढ़ चुका है, तब इस अमृत काल में सबका प्रयास अनिवार्य है, सबका प्रयास ही परिणाम लाने वाला है। टीम इंडिया की भावना ही देश को आगे बढ़ने वाली है। 130 करोड़ देशवासियों की ये टीम इंडिया एक टीम के रूप में आगे बढ़ करके सारे सपनों को साकार करेंगी, इसी पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।